नमस्कार नमस्कार। जैसा कि आपके दारू ने कर दिया मेरे हाथ का बलात्कार गया है, इस समय आप क्या कहेंगे? सर, हम लोग अपनी नौकरी की मांग के लिए यहाँ शिक्षक दिवस पर उपस्थित हुए थे कि हम लोग सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से शिक्षक बनने का आह्वान करेंगे। बैठे रहे, इसके बाद हम लोग जो है अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए निकल रहे थे विधानसभा भवन में, लेकिन हम लोगों को बीच रास्ते में बड़ी बेरहमी से पीटा गया। आधे घंटे लगातार लाठी चार्ज हुई, जितनी बहने थी सबको महिला पुलिस ने पीटा और घसीट घसीट करके मारा है। और ये सरकार की तरफ से आज का तोहफा है क्या शिक्षकों के लिए? हमें तो यही रहा है कि हमको शिक्षक बनाने के बजाय लाठीचार्ज चीजों के समझते हैं। और ये पहली बार नहीं, हर बार जब भी हम लोगों ने हक के लिए मांग की है तब तब हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। 107 दिन हो गया, अभी तक कमेटी अपना रिपोर्ट नहीं दे पाई है कि हम लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, कब तक हम लोगों को सरकार नियुक्त करेगी। जैसा कि आपको लाठी चार्ज किया गया, आपके जैसे कि चोटें आई हैं, आप इस समय में क्या कहेंगे? जी सर, सरकार का बहुत निंदनीय कार्य है। हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, उसके बाद तुरंत एकाएक बिना सूचना के आगे से गाड़ी लगा के आपके सभी कार्यकर्ताओं को जैसे कि लाठी के द्वारा मारा गया, पीटा गया बेरहमी से, आप उस विषय में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, हमारी जो कमेटी बनाई गई थी वो मात्र 45 दिन का अधिकतम समय दिया था और 107 दिन हो गए, लेकिन कोई उसका निर्णय नहीं लिया गया है। तो मैंने उसको जजमेंट बस आश्वासन कमेटी लगभग यही हो रहा है एक साल से। हम तुरंत निर्णय चाहते हैं, हम निर्णय के बाद ही लखनऊ छोड़ेंगे। आप इस विषय में क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव है और हम ओमान बहादुर सिंह मोर्चे को लीड कर रहे हैं और आज जबरदस्ती जानबूझ के हम लोग अटल जी को श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम बना रहे थे। उस कार्यक्रम के तहत जिस जगह घटना होकर अटल जी को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, उसमें पुलिस ने जानबूझ के घेर के और हमको टारगेट बना के टारगेट बना के हम लोगों को इस पूरी तरीके से मारा है। देखिए, ये हाथ, ये उंगली टूट गई है, नीचे पूरा पूरा 20 लाठियां मारी हुई है। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके संगठन की एक महिला जो कि जी वो महिला प्रेग्नेंट थी और उसको जानबूझ के उसके पेट पे लाठी मारी गई है, और उसके बाद जो हम लोग वो कहते थे हम लोग साथ में जाएंगे, जानबूझ के पुलिस उसको उठा के जिप में डाल के ले गई है, पता नहीं कहाँ ले गई, हमको मालूम नहीं। तो जो उन्होंने लाठीचार्ज किया उससे दिक्कतें जो आ रही है, इस विषय में कौन जिम्मेदार है? इस विषय में यहाँ प्रशासन जिम्मेदार है और इसके लिए यहाँ के सीओ सीधे सीधे जिम्मेदार है। संजीव सिन्हा जी ने कार्रवाई कराई है, संजीव सिन्हा इसके लिए पूरी तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने चिन्हित करके हम लोगों को जबरदस्ती टारगेट करके मारा हुआ है और उन्होंने स्वयं लाठी चलाई है और महिलाओं के ऊपर पेट पे लाठी मारी है, ये सिन्हा जी ने लाठी मारी है, ये निंदनीय है। इसको योगी सरकार को देखना चाहिए इस तरीके से महिलाओं को जो हो रहा है वो अति निंदनीय, बहुत निंदनीय कर अरे आ जाइए इधर। अनन्या इधर देखो, भाई तुम देखो, बताओ तुम लोगों को कैसे मारा गया है। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, है इसके पास लाइव है तो लाइव को तो क्लिप कर बना ही लिया जाता है।